ग्वालियर के रीगल चौराहे स्थित कार्यालय में शुक्रवार को बड़वानी जिले से बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं आए और अधिकारियों से सप्लीमेंट्री परीक्षा की कॉपियों को लेकर चर्चा करने लगी। पीएससी प्रथम और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का कहना था कि सप्लीमेंट्री एग्जाम की कॉपियां अच्छे से नहीं जांची गई हैं। सैकड़ों की संख्या में इंदौर पहुंचे बड़वानी के विद्यार्थियों का आरोप था कि उनके द्वारा सप्लीमेंट्री की परीक्षा दी गई थी, जिसके बाद कॉपियों में करीब 70 से अधिक विद्यार्थियों के 0 से 1 नंबर आए हैं। वहीं कई विद्यार्थियों का कहना था कि उन्होंने मेहनत करके पेपर दिया और उनका पेपर अच्छा गया था, किंतु कॉपियों का मूल्यांकन करने वालों ने सही तरीके से कॉपी की जाँच नहीं की है। सभी ने कॉपियों की पुनः जाँच करवाने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के संबंधित अधिकारियों का कहना है कि यूनिवर्सिटी को जो भी फैसला होगा वह छात्र हित में होगा और 2 या 3 दिनों में कुछ कॉपियों का मूल्यांकन कर दिया जाएगा कि यहाँ क्या गलती हुई है। वहीं अधिकारी का कहना है कि यदि इसमें कॉपी के मूल्यांकनकर्ता दोषी पाया गया तो उन पर कार्यवाही भी की जाएगी। समस्या को लेकर के इंदौर सिटी में आए हुए हैं। हम लोगों ने सेकंड ईयर की एग्ज़ाम दी थी, जिसमें से हमने सप्लीमेंट्री की एग्ज़ाम दी थी, जिसमें से हम लोगों को 0 नंबर 1 नंबर वापस से जब रिजल्ट घोषित किया गया, 0 नंबर 1 नंबर दिया गया है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि हमें 0 नंबर दिया गया है तो किस हिसाब से दिया गया है। हम अगर BSc सेकंड ईयर के स्टूडेंट, हम पहले दूसरे के स्टूडेंट नहीं है। हम लोगों ने अभी तक थर्ड ईयर की पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग, अभी ना तो हमें आगे थर्ड ईयर में एडमिशन दिया जा रहा है और ना ही हम लोग अभी सेकंड ईयर की एग्जाम क्योंकि अभी तक तो हम लोगों ने थर्ड ईयर की तैयारी करी है। फिर हम एकदम से कैसे हम लोग सेकंड ईयर की एग्जाम दें? और 0 नंबर अगर हमें दिया गया है, 1 नंबर दिया गया है, हम पहले दूसरे के स्टूडेंट नहीं हैं। ठीक है ना, कितने आप लोग कितने सारे ऐसे स्टूडेंट और कौन कौन से कॉलेजेस हैं? हम लोग SBN PG कॉलेज बड़वानी से है और GTC कॉलेज बड़वानी से है। करीबन हम लोग 68+ स्टूडेंट है टोटल, जिसमें से बहुत सारे स्टूडेंट को 1 नंबर दिया गया है, 2 नंबर दिया गया है, 0 नंबर दिया गया है, तो किस हिसाब से दिया गया है? ये कब आया रिजल्ट? रिजल्ट एक तो ऑलरेडी बहुत लेट आया हुआ है क्योंकि अभी रिजल्ट बोलते अभी एग्जाम आने वाली है, अभी हमारी प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट होने वाली फाइनल, ठीक है, और अभी रिजल्ट हमारा लेट घोषित किया गया है, जिस कारण से हम लोग ना तो आगे बढ़ पा रहे हैं ना ही हमको रिजल्ट क्लियर हुआ है। उसमें केमिस्ट्री विषय में उन लोगों को कम मार्क्स दिए गए हैं, इसमें फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के बच्चे हैं ये। बट एक्चुअल स्थिति ये है कि हमारा जो सप्लीमेंट्री का रिजल्ट है वो 69% है, एक बात। दूसरा, अभी मैं भी गया था, एग्जाम कंट्रोलर भी थे मेरे साथ, मेरे अन्य अधिकारी भी थे, हम लोगों ने बच्चों को ये समझाने की कोशिश की, छात्र नेताओं को भी, कि अगर उन्हें ये लग रहा है कि बड़वानी में स्पेशली कम मार्क्स आए हैं तो हम ऐसे बच्चों की 15 या 20 बच्चों की कॉपियां हैं जो वो निकलवा कर सैम्पलिंग कर देख लेंगे कि क्या वस्तुतः हमारे मूल्यांकनकर्ता ने जो वैल्यूअर है उसने कोई गलती की है। इस तरह के बच्चों को हम समझाइश भी देना चाह रहे हैं, ये बता रहे हैं उनको कि हम देखेंगे। छात्र हित में ही विश्वविद्यालय निर्णय लेता है, ऐसा नहीं है, पर जो प्रक्रिया और नियम होता है उसका वो डेटा हम निकलवा लेंगे कि 0 और 1 मार्क्स वाले, तो ऐसा नहीं हो सकता कि 70 स्टूडेंट्स ऐसे हों, ये पॉसिबल नहीं है, हो सकता है 1-2 बच्चों को आए। पॉल्यूशन के लिए हमने ये कहा, केमिस्ट्री में जैसे 3 कॉपियां होती है, 3 कॉपियां भी निकलवाना 15 बच्चों की, फिर सब्जेक्ट एक्सपर्ट से उसका वैल्यूएशन भी करवाना, इसमें समय लगता है। हमने बच्चों को ये कहा 3 या 4 दिन में हम सैम्पलिंग की कार्रवाई पूर्ण कर देंगे।